प्रसिद्ध राष्ट्र संत भय्यू महाराज की आत्महत्या के मामले में अब पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि जिस युवती को संदेह के घेरे में लिया जा रहा है उसे नोटिस देकर इंदौर बुलाया जाए। बार बार यह सवाल उठ रहा था कि भय्यू महाराज को धमकी देने वाली ये युवती पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रही। महाराज से जुड़े लोगों द्वारा दोबारा जाँच की मांग के बाद CSP खजराना को पुलिस द्वारा जाँच सौंप दी गई थी। CSP ने ट्रस्ट और महाराज से जुड़े कुछ लोगों के बयान भी लिए। इस बीच DIG श्री हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच IPS अगम जैन को सौंप दी गई थी, लेकिन वे छुट्टी पर चले गए। इस दौरान छानबीन के लिए जांच खजराना CSP SS तोमर को सौंपी गई थी। CSP ने प्रमुख संदेही शेखर शरद देशमुख सहित महाराज के दोस्त मनोहर सोनी के बयान ले लिए। अब पुलिस द्वारा संदेही युवती को भी बयान के लिए बुलवाया जा रहा है। विनायक के बारे में यह भी पता चला है कि उसने शादी कर ली है और वह महाराष्ट्र के किसी गाँव में है। पुलिस उसे दो बार समन्स भेज चुकी है और वह अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, इसको लेकर पुलिस का संदेह बढ़ता चला जा रहा है कि कहीं उसका भी कोई योगदान तो महाराज की आत्महत्या में नहीं है। इधर कुल मिलाकर इस पूरे मामले में केंद्र में वही युवती है और उस युवती के आने के बाद ही बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा।